दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सितंबर का एनालिसिस, आपको होगा कि सेकंड का तो आया ही नहीं था। जो फर्स्ट सितंबर का एनालिसिस अपलोड हुआ हुआ है ना, तो वो ऑलरेडी ही सेकंड सितंबर का है। वो मैंने गलती से उसमें फर्स्ट सितंबर लिख दिया है एंड ऑलरेडी मैं उसको कवर कर चुकी हूँ, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। सो देख लेते हैं आर्टिकल GS पेपर 1 से रिलेटेड श्री नारायण गुरु के बारे में, ठीक है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने याद किया इनको ऑन हिज 164th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये कौन थे? ही वॉज बेसिकली अ सोशल रिफॉर्मर, कहाँ से? केरला से, ठीक है? तो चेंजेस इन द बिलीव ऑफ केरला इट्स इन अ वे ऑफ अनइमेजिनेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल फैब्रिक है जो उसको इम्प्रूव किया और सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी से बिलीव करते ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिसे एजावा फैमिली कहते थे। वो एक कास्ट रिडन सोसाइटी में रहते थे, ठीक है? कास्ट रिडन सोसाइटी में इनकी बेसिकली जो वो थी पोजीशन थी वो काफ़ी लोअर थी, ठीक है? सो इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल इनजस्टिस का सामना करना पड़ता था। तो क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने करवाए? ही रिजेक्टेड कास्टिज्म सबसे पहले, एंड इन्होंने जो न्यू वैल्यूज़ ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड सोशल इक्वालिटी है वो लोगों में भरी, एंड ही स्ट्रेस द नीड ऑफ स्पिरिचुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द ड्राउन डाउन टोडन, जो बेचारे मतलब खुद से आवाज़ नहीं उठा सकते उनकी आवाज़ ये बने बेसिकली। ही डिनाउंस सुपरस्टिशन, तो अंधविश्वास को डिनाउंस किया, एंड जो ही प्रीच द वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि सब हम मतलब ह्यूमैनिटी बेसिकली ह्यूमैनिटी एक चीज़ है, इकट्ठे हैं हम सब। ही इंस्टॉल्ड आइडल ऑफ शिवा एट अविपुरम इन केरला इन हिज एफर्ट टू शो दैट कंस्क्रिकेशन ऑफ गॉड इमेज वॉज नॉट मोनोपोली ऑफ ब्राह्मिन्स, कि सिर्फ ब्राह्मिन्स ही नहीं पूजा कर सकते, हम भी कर सकते हैं। दिस इज पॉपुलरली नोन एज अरावीपुरम मूवमेंट। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि अरावीपुरम में इन्होंने इंस्टॉल किया था इसलिए अरावीपुरम मूवमेंट कहा जाता है। इन वन टेम्पल इन्होंने ही केप्ट मिरर इंस्टेड ऑफ आइलैंड्स, ही सिंबलाइज द मैसेज ही डिवाइन इज विद इन ईच इंडिविजुअल्स, कि भाई खुद में देखो भगवान तुम्हारे अंदर ही है। ही ऑल्सो फाउंडेड अद्वैत्य आश्रम इन कलाडी, ही ऑल्सो लेंट हिज सपोर्ट टू वायकम सत्याग्रह, ठीक है, विच वॉज एम्ड एट टेम्पल एंट्री, क्योंकि पहले टेम्पल एंट्री भी नहीं करने देते थे, एंड ये महात्मा गांधी से भी मिले थे ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स क्या था कि मोस्ट इन्फ्लुएंस इज आत्मो पदेसा सकतम, जो उन्होंने 1897 में बनाई थी। इस टाइम पे आपका एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट आया था, इस टाइम पे तिलक बाल गंगाधर तिलक को भी जेल हुई थी एंड ही वॉज डिपोर्टेड। सो दीज थिंग्स यू मस्ट थोड़ा कोरिलेट करके याद करोगे बेहतर रहेगा। दिस अरावीपुरम मोमेंट यू मस्ट रिमेंबर, एंड जो ये मिरर इन्होंने इंस्टॉल किया दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ से थे? केरला से थी। ये कुछ एक चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी। एंड मिशन कर्मयोगी के बारे में देख लेते हैं, तो भाई ये नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, तो सिर्फ IAS IPS वाला नहीं, जो भी सरकारी मतलब सर्विसेज में इनरोल्ड है उनके लिए है ये, उनकी बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है? तो न्यू नेशनल आर्किटेक्चर लेके आए, मतलब वन नेशन का एक आर्किटेक्चर है, कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एपरेटस है एट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल की भी जो है कैपेसिटी उसको भी बिल्ड करवाए गए, ताकि वो जो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स वही ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, अब IPS वाले सरदार वल्लभ भाई अकेडमी में जाते हैं, बाकी लबासना में जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बेसिकली करें, फॉलो करें, एंड वहाँ पे जो लोग निकल के आए वो एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सक्षम हो। सो PM लेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? PM लेड पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल टू अप्रूव एंड मॉनिटर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। तो बेसिकली एक काउंसिल होगी जिसका नाम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, वो अप्रूव करेगी कि भाई क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, उससे फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बिठाएंगी। वो क्या करेंगी? पहले ये तो बेसिकली प्लान बनाएगी, ठीक है? अब ये प्लान तो बना दिया, अब ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करेगी, ठीक है? एंड फैकल्टी बताएगी कौन से लोग इनको पढ़ाएंगे आके, एंड बेसिकली सुपरवाइजरी रोल प्ले करेगी। देन होनली ओल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल, फिर एक कोई भी इंस्टीट्यूशन को काम डिवॉल्यूट कर देंगे, अब सारा काम मोदी जी थोड़ी ना कर सकते, तो किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल को बिठाएंगे, ठीक है? या भी कोई भी एजेंसी है जिसको डेवल्यूट कर देंगे कि भाई चलो तुम ये काम ना तुम करके आओगे, ठीक है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइफेड का ट्राइबल अफेयर्स का काम काफ़ी सारा ट्राइफेड करता है, तो उस तरीके से कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बिठाएंगे। एंड फिर एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड वो एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए क्या हायरार्की है। कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, ठीक है? तो रोल बेस्ड होना चाहिए, नॉट रूल बेस्ड। ऑन साइट लर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए दैट टू कॉम्प्लीमेंट
सप्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग. तो प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होना चाहिए, एक इकोसिस्टम हो जहाँ पे शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबके काम आ रहा है. फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एंड एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज अप्रोच, ताकि वो डिलीवर लर्निंग कॉन्टेंट रिलेवेंट टू आइडेंटिफाइड इन एवरी गवर्नमेंट एंटिटी. ठीक है, कि वो लर्निंग कंटेंट बेसिकली डिलीवर हो उनके पास एंड उनकी कॉम्पिटेंसीज से मैच खाता हो. टू मेक अवेलेबल टू ऑल सिविल सर्वेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टीन्यूसली बिल्ड एंड स्ट्रेंथन देयर बिहेवियर फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंसीज. तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने की, बेसिकली ये स्ट्रेंथन करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. टू इनेबल ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, कि भाई आप डायरेक्टली अपना इसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, रादर देन आप कहीं किसी स्टेट में दे रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली हर एक स्टेट का अलग अलग ना हो कि पूरे राष्ट्र का एक होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कॉमन इकोसिस्टम एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम काम कर सकें. टू एनकरेज एंड पार्टनर विद द बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स. ठीक है, जो इन क्लास होगी सारे कंटेंट क्रिएटर्स बेस्ट होंगे, क्योंकि वो एक ही तो होंगे ना. एंड टू अंडरटेक डाटा एनालिटिक्स, जैसे कि बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करके कौन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, तो ये सब मॉनिटर होते रहेंगे. ठीक है, और ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, IGOT, जो इसका ऑनलाइन सर्वर होगा बेसिकली, यहाँ पे IGOT कर्मयोगी के नाम से. तो भाई है क्या ये IGOT कर्मयोगी? तो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन इस पर सब अपलोड होती रहेगी इन्फॉर्मेशन. ये स्केल टू ये लेकर आएगा स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ ओवर 2 करोड़ ऑफिशियल्स इन इंडिया. ठीक है, तो उनकी कैपेसिटीज इकट्ठी लेके आएगा, ताकि वो जो ऑफिशियल्स हैं वो कैसा काम, वो आगे जाके कैसा काम करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ कैसी बिल्ड हुई हैं. द प्लेटफॉर्म विल इवॉल्व इंटू वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस फॉर कॉन्टेंट, वेयर केयरफुली डिजाइंड एंड डिजिटल ई लर्निंग मटीरियल भी वहाँ पे अवेलेबल होगा. बिसाइड कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज लाइक कन्फर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, डिप्लॉयमेंट वर्क असाइनमेंट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, हर तरीके की चीज़ यहाँ पे अपलोड होगी. सो वेरियस फंक्शंस ऑफ वेरियस प्रपोज बॉडी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो हमने ऊपर पढ़ा वो क्या करेगी, जो ये सबसे पहले, जो सबसे पहले वाली थी, जो PM पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है ना, जो प्लान करेगी सब कुछ, ये तो सब ये उसको असिस्ट करेगी इन मतलब फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड एक्सरसाइज फंक्शनल सुपरविजन. तो ये इसका तो काम सुपरविजन ही था, हम ऊपर पढ़ के आए हैं. एंड टू क्रिएट शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैकल्टी को बुलाएगी टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान. तो जो इसका नाम है वही तो करेगी ना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को इंप्लीमेंट करेगी एंड कोऑर्डिनेट करेगी. टू सेट नॉर्म्स फॉर कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अक्रॉस ऑल सिविल सर्विसेज. सो होनली ऑन स्पेशल व्हीकल कौन होगा भाई, जो भी होगा, जो उनसे भी वो एजेंसी होगी, उसको कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत रजिस्टर होगा अंडर सेक्शन 8. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तहत रजिस्टर होगी. इट विल ओन एंड मैनेज, तो जो IGOT प्लेटफॉर्म है उसको भी ये मैनेज करेगी. ठीक है, तो ये कंटेंट वगैरह इसको क्रिएट भी करेगी, मैनेज भी करेगी, मतलब बेसिकली ई प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करेगी मार्केट प्लेस को, एंड मैनेज की बिजनेस सर्विसेज ऑफ IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू कंटेंट वैलिडेशन, इंडिपेंडेंस प्रोक्योर्ड असेसमेंट एंड टेलीमेट्री डाटा अवेलेबिलिटी. इट विल हैव ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ, तो ऑब्वियसली पेटेंट का भी इशू आता है कि भाई तुमने हमारा चुरा लिया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसके होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन इज अबाउट पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, इट विल इंक्लूड सिलेक्ट यूनियन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर एंड एमिनेंट HR प्रैक्टिशनर्स थिंकर्स, इसमें काफ़ी लोग होंगे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर. दे विल सर्व एज एपेक्स बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो भी इसमें काफ़ी एमिनेंट पर्सन होंगे. तो बेसिकली ये पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है. लार्जर सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, ये 4-5 लाइनें याद कर लो, इंपॉर्टेंट है. क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जिससे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो एम्पावर्ड फील करेंगे. ठीक है, एंड जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उससे अधर करेंगे. ओके, देन इज अबाउट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम. तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है ना. एक सर्विस SEIS भी होता है, जो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम होता है, उसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट से रिलेटेड डीलिंग करते हैं. तो होता क्या है MEIS में, जैसे Paytm में हमारा कैशबैक नहीं आता, हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा कैशबैक आता है. तो इसमें सेम यही होता है कि MEIS में क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इतने, मतलब जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, मान लो 50 करोड़ है, इस इतने ज़्यादा का आप कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सरकार आपको कुछ उसका परसेंटेज, 5% लगा लो. ठीक है, 5% के आसमान लो, आपने 10 लाख का किया तो आपको 10% के हिसाब से आपको
सरकार देती है, पैसा देती है आपको, ठीक है, कि भाई ये लो पैसा, आपने बहुत अच्छा काम किया, और ये कैशबैक की तरह देती है। वो आप ऐसे विड्रॉ तो नहीं कर सकते, पर अगली कंसाइनमेंट में उसको डिडक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ है कि इसकी लिमिट इम्पोज कर दी है ऑन द टोटल रिवॉर्ड्स। तो ऑब्वियसली अब सरकार अपना हाथ मुट्ठी भींच रही है, क्योंकि उनको पैसा बचाना है हर जगह से। तो यहाँ पे भी इस लिमिट इम्पोज हो गई है। टोटल रिवॉर्ड विच मे बी ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर, ठीक है, जो कार्ड होल्डर होता है, अंडर दिस स्कीम शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ पर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब 9 सितंबर से लेके दिसंबर तक का ये जो पीरियड है, इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे हम आपको। एनी IEC होल्डर हु हैज़ नॉट मेड एनी एक्सपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये 2020 सितंबर से पहले, और एनी न्यू IEC ऑब्टेंड ऑन द आफ्टर 1 दिसंबर वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सबमिटिंग एनी क्लेम। तो अभी जो नए वाले आएंगे, ठीक है, उनके लिए वाले स्कीम अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, या फिर किसी ने 1 साल से कोई एक्सपोर्ट नहीं किया उसके लिए भी स्कीम एलिजिबल नहीं होगी। तो होती क्या है भाई, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया ये स्कीम है, ठीक है, एंड इट इज़ द वन ऑफ द 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो 2015 और 2020 की हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। तो उसमें एक MEIS थी और एक SEIS थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड्स आर गिवन बाय द वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स टू एक्सपोर्टर। तो ड्यूटी क्रेडिट दिया जाता है। इट इज़ नोटिफाइड बाय DGFT हु इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। So basically, होता क्या है, टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इन एफिशियंसीज एसोसिएटेड विद कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट गुड। तो भाई वो मान लो अपने वेयर हाउस से सामान उठवाएगा, ठीक है, वहाँ पे फिर लोड करवाएगा शिप्स पे कंटेनर्स में, सो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है बंदे का। तो वो खर्चा मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो सामान बेच रहा है उसका भी इनबाउंड खर्चा है, बाकी एक्स्ट्रा जो खर्चा आता है, तो सरकार सोचती है कि हम ये उसको दे देंगे ताकि वो एनकरेज हो आगे से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में। And especially those have high export intensity employment potential and thereby enhancing India's export competitiveness. काम क्या है, basically India की export competitiveness को बढ़ावा देना है, ठीक है। MEIS ने बाकी ये जो स्कीम्स जो पहले 2009 हमारी और 2014 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब तो नई आ गई ना 2015 से 20 की, तो उसने जो रिप्लेस की है वो स्कीम्स के नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन पे एक बार लुक दे सकते हैं। सो दिस वाज इट अबाउट कौन सी स्कीम्स रिप्लेस की, अब स्कीम्स रिप्लेस थोड़ी ना याद करेंगे, 2009 की स्कीम्स हैं। देन इज अबाउट रेड बुल प्ली ऑन द ट्रेडमार्क रिजेक्टेड। तो रेड बुल आई होप यू नो दैट इज एनर्जी ड्रिंक, एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी है प्ली को, ठीक है। बिल्कुल भी कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर्स रेड्डी रेगुलेटरी लिमिटेड है ना, उनका क्या ट्रेडमार्क था, यूअर विंग टू लाइफ, इनका क्या था, गिव यू विंग्स, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो वो बदलना चाह रहा था एंड रेड बुल का इसलिए रिजेक्ट कर दिया। सो कंटेक्स्ट में कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ट्रेडमार्क क्या है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडमार्क क्या होता है, इट इज़ अ विजुअल और सिंबल विच मे बी अ वर्ड सिग्नेचर नेम डिवाइस और लेबल्स जो इन कॉम्बिनेशन विद कलर्स यूज्ड कि भाई आप जो आप गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो ना उसके बेचने के लिए आप वो ट्रेडमार्क का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ बेसिकली अ ट्रेडमार्क। वो सिग्नेचर भी हो सकता है, नेम, लेबल, डिवाइस, कुछ भी हो सकता है, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर गुड्स और सर्विसेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट अंडरटेकिंग, कोई दूसरा बंदा उसको बेच रहा है, जैसे कि रेड बुल का आई थिंक विंग्स इस तरीके से बनाए होते हैं, सो दिस थिंग ट्रेडमार्क कहते हैं इसको। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, द सिलेक्टेड मार्क शुड बी कैपेबल ग्राफिकली, उसको रिप्रेजेंट होना पड़ता है, होना होगा, आप उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो, कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। मान लो कि अब डॉक्टर रेड्डी और रेडबुल का अलग अलग होना चाहिए, दोनों को विंग्स नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिंट में भी विंग्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूज फॉर द पर्पज, ठीक है, purpose of indicating there should be connection between course of trade between goods and services and some persons have right to use the mark without identify of that person. So different ये इतना important नहीं है, different type of trademark that may be registered, any name, ठीक है, including personal name, तो ये सब हो सकता है, ठीक है, which is not unusual for trade as adopt as a mark, ठीक है। अब any name क्या हो सकता है, आई कैन नॉट रिकॉल, बट एनी नेम कुछ भी, मान लो कोई पर्सनल अपना नाम, मेरा नाम निधि है तो मैं निधि नाम का कुछ भी ऐसे चालू कर सकती हूँ। सो एन इन्वेंटेड वर्ड और आर्बिट्रेरी डिक्शनरी, ठीक है, अब मान लो कि मैकडोवल्स है, ठीक है, जो विस्की आती है, तो मैकडोवल्स, अब उसका कुछ भी हो सकता है, इन्वेंटेड वर्ड है ये, है ना, लेटर्स और न्यूमरल्स और एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ, ठीक है, मान लो कोई ड्रिंक है जिसका नाम 12 है, 12 है तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो कोई डिवाइस हो सकता है इंक्लूडिंग फैंसी डिवाइस एंड सिंबल्स मोनोग्राम्स कम्बिनेशन ऑफ कलर्स और इवन सिंगल कलर्स। मान लो कोई फ्लैग का कलर है, ऐसे मान लो 3 कलर्स हैं, ठीक है, हमारा फ्लैग तो ऐसे है ना, मान लो 3 कलर सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन, ऐसे कर दिए, तो इस तरीके का भी हो सकता है।
ठीक है, शेप ऑफ गुड्स और देयर पैकेजिंग मार्क कंस्टिट्यूटिंग 3D डिजाइन भी हो सकता है, साउंड मार्क्स भी हो सकते हैं. सो रजिस्ट्रार कौन होता है? द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, हेड द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है, एंड फंक्शंस एज रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स. सो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, जहाँ पे ये रेडबुल वाली कंपनी गई है, ये 2003 में बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो रिजॉल्व एंड जो प्लीज है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार. तो पहले कोई भी दिक्कत आती है तो वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार नहीं मानता फिर कहाँ पे जाते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड. ठीक है, फिर ये जो इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, उसके तहत ये जो IPAB है वो रजिस्टर्ड है. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड. सो सिंस 2007 इट हैज़ ऑथराइज्ड टू हियर एंड एडजुकेट अपॉन अपील्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ डिसीजंस और डायरेक्शंस मेड बाय पेटेंट कंट्रोलर अंडर पेटेंट्स एक्ट. तो पेटेंट वाली भी जो चीज़ें हैं वो भी इसी के पास आती है. देयरफॉर ऑल पेंडिंग अपील्स ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स अंडर पेटेंट्स एक्ट वर ट्रांसफर टू IPAB. ठीक है, काफ़ी लोड बढ़ गया था 2007 में, तो इसीलिए जो पेटेंट्स वाली चीज़ है वो भी IPAB के पास आने लगी. तो IPAB के पास टोटल कौन सी आती है? जो ट्रेडमार्क वाले जो रजिस्ट्रार की ग्रीवेंसीज हैं और पेटेंट वालों की भी आती है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन होते हैं पेटेंट बेंच में? जुडिशियल मेंबर होगा ऑब्वियसली, ये एक बेंच है. ठीक है, आर्बिट्रेशन बेंच है. टेक्निकल मेंबर होगा. क्वालिफिकेशंस वो तो जो इसमें एक्ट में लिखी होती है वो उसकी जो टेक्निकल मेंबर की क्वालिफिकेशन है वो यही होंगी, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कौन होता है. ज्यूरिसडिक्शन, अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ कंट्रोलर ऑफ IPAB, ठीक है, मस्ट बी मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द, मतलब जो भी रजिस्ट्रार ने डिसीजन बोला उसके 3 महीने तक, 3 महीने तक आपको IPAB में जाके आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी रजिस्टर अपनी. एंड एक्सटेंशन इज अवेलेबल फॉर फाइंडिंग द अपील बाय द वे ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पिटिशन. उसके लिए आपको पिटिशन डालनी पड़ेगी अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर IPAB तक नहीं पहुँच पा रहे हो. सो दिस इज द थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर. देन इज अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो 13th edition इसका रिलीज हुआ. तो बेसिकली ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी कैसी आपकी इनोवेशन परफॉर्मेंस है. सो ये याद रखना कौन रिलीज करता है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD एंड वो वीपो. बेसिकली वीपो रिलीज करते हैं, तो वीपो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना. सो हु विल फाइनेंस इनोवेशन, तो ये थीम थी इस बार की. कंट्रीज़ को रैंक कैसे किया गया बेस्ड ऑन 80 indicators. अब 80 तो आप याद करोगे नहीं. सो इंडिया की परफॉर्मेंस कितने ये याद कर लेते हैं. इंडिया की 48th position आई है. ठीक है, पहले हमारी 52 थी, तो हमने काफ़ी इंप्रूव किया है. इंडिया इज़ ए टॉप पोजिशन अमंग द सेंट्रल एंड साउथ एशियन नेशंस, तो ये अच्छी चीज़ है. एंड इंडिया हैज़ बीन थर्ड इनोवेटिव लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो ये अच्छी चीज़ है. इंडिया रैंक्स इन टॉप 15 इन द इंडिकेटर्स सच एज ICT, सर्विस एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस. हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस ज़्यादा बेहतर है, काम करती है नहीं करती है वो अलग चीज़ है, पर सर्विसेज बेहतर है. ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि ग्रेजुएट्स तो बहुत निकल रहे हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सटेंसिव इंटेंसिव ग्लोबल कंपनी, सो ये चीज़ में हमारी रैंक अच्छी है. तो आप ये कहीं कोट कर सकते हो या प्रिलिम्स में आ गया, सो यू कैन आंसर इट. कौन रिलीज करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ग्लोबल सिनेरियो की भाई, ग्रेजुअल ईस्टवर्ड शिफ्ट इन लोकस ऑफ इनोवेशन. ठीक है, तो ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है हमारा. जो पहले US और ये इन सब को ही माना जाता था, पर अभी चाइना, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, दीज आर एमर्जिंग. एंड टॉप 5 में कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK एंड नेदरलैंड्स. ऑल दो है बेसिकली, बट ये बता रहा है कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट आ रहा है टूवर्ड्स द ईस्ट, सो विच इज़ अ गुड थिंग. देन इज बॉस बैन ऑन चाइनीज मोबाइल ऐप. तो पहले टिकटॉक, तो अब पबजी बैन हो गया है. सो मिनिस्ट्री ऑफ MIT ने इसको बैन किया है. सो किस एक्ट के तहत होता है? सेक्शन 69A ऑफ IT Act. ये हम पहले भी पढ़ चुके थे जब टिकटॉक बैन हुआ था, एंड ये वाले एक्ट के बारे में. एंड बेसिकली किस बेसिस पे किया है? ऑब्वियसली सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस, हर किसी को के लिए प्रेजुडिशियल था. सो दैट्स वाई इट वॉज बैंड. सो इट वाई इट्स वॉज नेसेसरी. काफ़ी कंप्लेंट्स आई, सरकार हमारी कह रही है, बट द रीजन्स वर यू नो वेरी डिफरेंट, कि ये हमारी सिक्योरिटी पे इम्पिंज कर रहा है काफ़ी ज़्यादा. एंड इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक सेंट एन एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन फॉर ब्लॉकिंग दिस मलेशियस ऐप. तो उन्होंने भी ये भेजी है रिकमेंडेशन, तब जाके MIT ने इसको ब्लॉक किया है. बैकग्राउंड क्या है? गवर्नमेंट थर्ड राउंड का था, ये तीसरी बार बैन किया क्योंकि LAC पे टेंशंस बढ़ती जा रही हैं. एंड अभी वो अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहे हैं, जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है. कभी गलवान में अटैक कर देते हैं, वो पैंगोंग सो में अपनी बेसिकली बिल्ड करे जा रहे हैं. सो दिस इज़ द थिंग. सेक्शन 69A ऑफ IT Act, ये क्या एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? कि आप इसी तरीके की कोई वेबसाइट या कंप्यूटर रिसोर्सेज को ब्लॉक कर सकते हो अगर वो कंट्री के डिफेंस के इंटरेस्ट में है और सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को थ्रेटन कर रहे हैं विद रिलेशन टू फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ द एनी ऑफेंस. कि भाई कोई प्रोवोक
ना कर रही है दूसरे देश की, मान लो कल को पाकिस्तान वाले ऐसे फेसबुक पे करने लग जाएं कि ये टेररिज्म फैलाओ, तो कल को इंडिया वाले फेसबुक भी बैन कर देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी फॉर द, बिकॉज दैट इज़ इंसाइटिंग द वॉयलेंस एंड ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए दिस थिंग इज डन. देन इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस प्रोग्राम. सो बेसिकली ये क्या है, निधि प्रोग्राम है, मेरे नाम का प्रोग्राम है, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. निधि की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनोवेशन इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस. तो हम अभी ऊपर ही पढ़ के आए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48 हमारी रैंक है उसमें, एंड ये लॉन्च किया गया है एंड इट सपोर्ट्स एस्पायरिंग एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, ताकि जो भी उनका कोई मान लो बिजनेस आइडिया पसंद आ गया सरकार को, तो उनको क्या है कि कुछ पैसे देते हैं, कुछ 30,000 पर मंथ, ठीक है, टोटल 3.6 लाख तक जाते हैं फॉर 18 मंथ्स के लिए देते हैं इनको. ठीक है, 30,000 रुपीज़ देते रहते हैं ताकि वो जो उनको बेसिकली जैसे कि देते हैं ना ये JRF वगैरह जो इनका क्लियर हो जाता है, फेलोशिप क्लियर हो जाती है, उनको भी देते हैं एज अ स्टाइपेंड बेसिकली, जिससे वो सपोर्ट कर सकते हैं जो भी उनका बिजनेस आइडिया है. निधि प्रोग्राम किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. इट इज़ द प्रोग्राम फॉर सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स. इंक्यूबेटर्स क्या, लैब की तरह होते हैं जहाँ पे नेसेसरी जो फंक्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड वो होती हैं. मान लो कोई भी कंप्यूटर अवेलेबल हो गया या कोई भी लैब की तरह आप मान के चलो. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ग्रांट फॉर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर हैव बीन लॉन्च्ड. तो निधि के साथ साथ प्रयास है जो वो भी स्कीम लॉन्च की है. प्रयास क्या है, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग, नहीं ये अंडर निधि है, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर स्टार्टअप प्रोग्राम, जिससे कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर सपोर्टेड विद प्रयास ग्रांट टू सपोर्ट इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर एंड डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स. प्रोटोटाइप्स क्या है, नमूना बनाते हैं. ठीक है, कोई नमूना बनाएंगे तब जाके फाइनल चीज़ अप्रूव होती है, फाइनल चीज़ बनेगी. तो ये जो प्रयास है यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, और इसके तहत इंक्यूबेटर्स भी होते हैं इसमें, और निधि स्कीमें भी यही होती है. याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है. स्टेट टू डिक्लेयर 600 एकर्स ऑफ अरे एज अ रिजर्व फॉरेस्ट. तो महाराष्ट्र में बोला गया है कि अरे लैंड है, ठीक है, अरे क्या है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, तो उसके साइड में एक बेसिकली यहाँ का जो अरे लैंड है ना, तो उसको एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की बात की गई है. अनाउंस रिजर्वेशन ऑफ दिस लैंड अप्रॉक्स 600 एकर्स एज फॉरेस्ट. ठीक है, तो फॉरेस्ट की ज़रूरत है तो इसीलिए उनको बोल दिया गया है. तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर कर, रिजर्व फॉरेस्ट डिनोट्स फॉरेस्ट अकॉर्डेड अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. अब इसको रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाएगा तो उससे क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है. तो उसमें आप वैसे इलीगल काम नहीं कर सकते, आप ऐसे बैम्बू काट लिया इस तरीके की चीज़ें. तो ये रिजर्व फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 1927 डिक्लेयर किया जाता है. रिजर्व फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती हैं. ठीक है, जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, पर ये स्टेट भी कर सकती है. एज प्रेजेंट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड राइट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिफर कैसे करते हैं, राइट्स टू ऑल एक्टिविटीज जैसे हंटिंग ग्रेजिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट तो बैन ही होती हैं बिल्कुल भी. ठीक है, एंड जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उसमें क्या होता है, राइट टू एक्टिविटीज, जैसे वहाँ पे कोई ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लोग रह रहे हैं ना जो डिपेंडेंट है उस फॉरेस्ट की कमोडिटीज़ पे, तो उनको अलाउड होता है. ठीक है, कि उसके आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो. ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपने पढ़ा ही होगा, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में अलाउड होता है, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट में दीज ऑल थिंग्स आर बैंड. ओके, सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 डिफाइन करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया टू बी रिजर्व फॉरेस्ट. एंड रिजर्व फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट. ओके, देन इज अबाउट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. तो न्यूज़ में क्यों है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट अंडर विकास बटालियन. ये जो LAC में वहाँ पे जो चाइना की PLA काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी, तो वहाँ पे जाके इन्होंने कुछ एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लिया है. तो ये 1962 के सीनो इंडियन वॉर था, चाइना के साथ जब हमारा वॉर होता है ना, उसके बाद इसको गठित किया गया था. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे टिबेटन्स प्लस गोरखास हैं जो इसमें. ठीक है, सो इट इज़ अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरीट हु इज़ हेडेड, वेयर इट इज़ हेडेड बाय एन इंस्पेक्टर जनरल हु इज़ एन आर्मी ऑफिसर और अ मेजर जनरल की रैंक इसको हेड करते हैं. सो यूनिट दैट कंप्राइजेज आर कॉल्ड एज विकास बटालियंस भी बोला जाता है. बेसिकली आर्मी का पार्ट नहीं होती, पर ऑपरेशनल कंट्रोल इनका आर्मी के अंदर ही होता है. मतलब सीक्रेट में ऐसे बुला लेते हैं इनको, चलो SFF वाले जाके अटैक करो. सो दिस इज अ थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, वेमेन सोल्जर्स भी इसमें पार्ट हैं. तो आप INA के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो वेमेन सोल्जर्स है उनको अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी. देन प्लेसेज एंड न्यूज़ अबाउट चुलचुल. चुलचुल इट इज़ अ विलेज इन लेह लद्दाख. तो चुलचुल वैली आपको पता ही होगा कि देखो यहाँ पे ये पैंगोंग लेक है, इट इज़ अ ट्रांसनेशनल लेक. ठीक है, तो ये ब्रैकिश वाटर लेक है बेसिकली. तो चुलचुल वैली यहाँ पड़ती है, ये रही इसके साउथ में. सो चुलचुल वैली में क्या हो गया भाई, देख लेते हैं. सो क्लोज टू रेजांगला. ठीक है, तो क्लोज टू रेजांगला लेक एट अ हाइट ऑफ
4,360 meters height important नहीं है. It is one of the 5 official agreed border personal meeting points, जहाँ पे border personal जो दोनों countries के आके मिलते हैं, तो ये one of the 5 points. आप पाँचों points याद करने की ज़रूरत नहीं है. This place is famous for Indian army who fought for last man last round at Rizangla, ठीक है, and last round यहाँ पे fought हुआ था at 1962 war. Without its crucial victory territory, अगर यहाँ पे हम जीतते नहीं तो यहाँ पे चाइनीज़ अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते. तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि चुलचुल वैली पे भी जो ये APLA वाले हैं अपना कब्जा जमा रहे हैं. देन वॉट इज़ अबाउट क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर क्या होता है? पहला घंटा आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा कि पहला घंटा जो ये लगा लो कि 11 से 12 का टाइम, क्योंकि 12 के बाद तो फिर 0 आवर स्टार्ट हो जाता है. तो 11 से 12 का जो टाइम होता है दैट इज़ फर्स्ट आवर. एंड ये क्वेश्चन आवर के लिए होता है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम एनी प्राइवेट मेंबर और एनी मिनिस्टर. सो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक में होता है ऑफ द हाउस. रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग है, तो इसका कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है. ठीक है, मेंबर्स क्वेश्चन आंसर पूछते हैं स्टार्ट एंड अनस्टार्ट टाइप. इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके. तो इसलिए मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है. ठीक है, सो इज़ हेल्ड एन ऑल डे ऑफ द सेशन. जब जब सेशन होता है हर दिन होता है. एंड दिस इज़ अ थिंग, नो क्वेश्चन आर ऑन द डे. प्रेजिडेंट एड्रेसेज MP फ्रॉम बोथ हाउसेज इन द सेंट्रल हॉल. ठीक है, अगर जॉइंट मीटिंग होती है तब क्वेश्चन आर नहीं होता. एंड क्वेश्चन आर इज नॉट शेड्यूल ऑन द डे. फाइनेंस मिनिस्टर जिस दिन बजट पेश करते हैं. सो दिस इज द थिंग. देन 3 मोर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर जम्मू कश्मीर. तो पहले सिर्फ इंग्लिश और उर्दू थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी होगी. सो दिस इज द थिंग. देन इज अबाउट मुंद्रा पोर्ट. ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ के नॉर्थ शोर पे, आप देख सकते हैं. तो ये कांडला पोर्ट तो गुजरात का आपको पता ही होगा, ये गल्फ ऑफ कच्छ है तो इसके नॉर्थ में यहाँ पे ये मुंद्रा पोर्ट है. तो कांडला पोर्ट से पूछा जाए तो ये ईस्ट साइड में, सॉरी वेस्ट साइड में लोकेटेड है ऑफ द मुंद्रा पोर्ट. सो ये चाइनीज़ कंपनी के लिए लिंक पे है इसका, इसलिए इसको रडार में रखा गया है. बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी लोकेशन ध्यान रखना बेसिकली. ठीक है, क्योंकि अभी जूनागढ़ भी आ सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने अपने हिस्से में बताया. तो जूनागढ़ से कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं ना. सो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.